फ्रेंड्स आपको बता दें कि आफी जैसे कुछ प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स ने हमारे पास कमेंट किए और पर्सनली फ़ोन करके भी हमें बताया कि सर हमारे कॉलेज में और काफ़ी जगहों पर यह चर्चा हो रही है कि लास्ट डेट स्कॉलरशिप की जो है यह 31 तारीख तक बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो क्या है यह न्यूज़, इसके बारे में हम कम्प्लीट डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज 12 बजे रात तक आप लोगों की लिंक एक्टिवेट रहेगी और इसके पीछे वाले नोटिफिकेशन, पहले वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक आज ही आप लोगों का लास्ट डेट था और 28 तारीख तक आप लोगों के फॉर्म को सबमिट होने का डेट है। आपको पता है कि जब भी आप स्कॉलरशिप का फॉर्म को फिल करेंगे तो उसकी हार्ड कॉपी आपके इंस्टीट्यूट में जमा होती है, तो इंस्टीट्यूट में हार्ड कॉपी जमा होती है तो उसकी तारीख आप लोग की 28 तारीख थी। लेकिन कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि बैंक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, यदि आपका भी कुछ बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस भी प्रॉब्लम को ज़्यादा हमें दिखेगा उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि सभी स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए आपको कोई टेंशन करने की बात नहीं है, मैं तुरंत आप लोगों को वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें अवेलेबल करा देता हूं। तो न्यूज़ कुछ इस तरीके से है कि कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर बैंक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था और इस तरीके की कुछ इशू आ रही थी फ़ोटो अपलोड और आधार कार्ड अपडेशन में, तो स्कॉलरशिप में कॉलेज की तरफ से यह बताया जा रहा है कि जो स्कॉलरशिप की आखिरी डेट है ये 31 तारीख तक कर दी गई है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि प्रतिवर्ष इसी तरीके से चीज़ें होती हैं और अभी तक तो जो 9th राउंड की काउंसलिंग है और कुछ प्राइवेट कॉलेज में सीटें भी नहीं भरी हैं। और आपको मैं बता देता हूं कि पॉलिटेक्निक में यदि स्कॉलरशिप आती है तो साथ ही साथ सरकारी, प्राइवेट और अर्ध सरकारी तीनों की स्कॉलरशिप एक ही साथ आती है। ठीक है, तो यदि कोई स्टूडेंट यदि अब एडमिशन लेना चाहता है किसी प्राइवेट कॉलेज में तो इसका मतलब तो यह हुआ कि वह छात्रवृत्ति का लाभ नहीं ले सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्त। स्कॉलरशिप का लाभ सभी स्टूडेंट को मिलता है, तो मुझे भी यह उम्मीद है कि जो स्कॉलरशिप की आखिरी डेट है यह बढ़ाई जाएगी। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि प्रतिवर्ष आप लोग की स्कॉलरशिप की डेट जो है नवंबर के आखिरी महीने तक जाती है। आपको मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ कि नवंबर के आखिरी सप्ताह तक स्कॉलरशिप की डेट जाती है, उसके पश्चात आप लोग स्टेटस के माध्यम से सारी चीज़ें को क्लियर करते हैं। स्टेटस के माध्यम से आप लोग देखते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप की पेंडिंग हुई है या नहीं, और जो यह नवंबर में डेट निकल रहा है कि आप लोगों के वेरिफिकेशन का डेट जो है ये नवंबर में निकलेगा, इस डेट के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपकी स्कॉलरशिप लास्ट डेट बढ़ती है तो निश्चित तौर पे आपके जो सुधार करने की तारीख है उसकी भी लास्ट डेट बढ़ जाएगी। ठीक है, तब वो चीज़ें आपकी दिसंबर में चली जाएंगी और जनवरी फरवरी में जैसे प्रतिवर्ष आपकी स्कॉलरशिप आती है उसी तरीके से आप लोगों की स्कॉलरशिप आएगी। तो यदि इस तरीके की न्यूज़ आपके भी कॉलेज में चल रही है या फिर आपको भी यदि जानकारी है कि 31 तारीख तक लास्ट डेट बढ़ा दी गई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बहुत सारे स्टूडेंट को यह बातों की जानकारी थी तो उन्होंने पर्सनली मुझे फ़ोन करके और मैसेज करके बताया है। ठीक है, आप कमेंट में देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।